वीडियो को लाइक करें, प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डायबिटर कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे सामने देखते होंगे, ये है डायबिटर। दो पानी वाला डायबिटर आता है, तीन पानी पानी वाला डायबिटर आता है, थ्री इनलेट और टू इनलेट। ये हमारा टू इनलेट पानी है, डायबिटर है। आप इसको यूज करके, टू इनलेट हो या थ्री इनलेट डायबिटर हो, आप कोई सा भी डायबिटर हो, आप सबको यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। बहुत से हमारे कुछ भाइयों को डायबिटर यूज करना नहीं आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो बना दी जाए, ताकि लोगों को फुल डिटेल में समझ में आ जाए कि डायबिटर यूज कैसे किया जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अंदर बाथरूम में जाएंगे, एक ही हैंडल यहाँ पे सामने देते होंगे, आप इसको ऊपर को उठाएंगे तो यहाँ पर इस पोर्ट में नीचे पानी निकलने लगता है। यहाँ पर सेंटर में ठंडा गर्म पानी आता है। आप राइट साइड में घुमा देंगे तो यहाँ पर सिर्फ टैंक का पानी हमें मिलेगा, सिर्फ ठंडा पानी मिलेगा यहाँ पर। इसको यहाँ पर थोड़ा सेंटर पे कर देंगे तो ठंडा गर्म दोनों मिक्स होकर आएगा इस पोर्ट में, और इसको उल्टे हाथ पर कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सिर्फ गीजर का पानी मिलेगा, सिर्फ गीजर का पानी, गरम गरम पानी मिलेगा। अगर आपको मिक्स पानी चाहिए तो इसको सेंटर में कर देंगे तो इसमें बहुत मिक्स पानी आएगा यहाँ पर। और हमें साबर चलाना है तो इसको ऐसे उठे रहने देना है, इस हैंडल को ऊपर को उठाए रहने देना है। और ये आप यहाँ पर एक नोक दे दोगे, इस नोक को उल्टे हाथ पर सीधा घुमाएंगे तो यहाँ पर साबर में पानी चलने लगता है। तो हम इसको यहाँ पर, इसको अगर आप ऐसे बंद करना चाहते हैं तो इसको नीचे दबा देंगे तो ना ही साबर में पानी आएगा ना ही इस पोर्ट में पानी आएगा हमारा। अगर आप इसको उठा देंगे तो आप साबर में स्टार्ट हो जाएगा पानी चलना। तो यहाँ से आप इसको नोब को घुमा करके भी बंद करेंगे तो इस पोर्ट में अपने आप पानी चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस पोर्ट में पानी बंद करना है तो इसको नीचे को हैंडल दबा देंगे तो इसमें हमारा पानी इसमें इस पोर्ट में बंद हो जाएगा। अगर आपका टू इनलेट डायबिटर है तो यहाँ पर इसके बराबर में एक ताज़े पानी की, जो कि फ्रेश वाटर की टंकी जो होती है वो यहाँ पर देते हैं, तो आप यहाँ से फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं। और आपको टैंक का और हॉट वाटर और कोल्ड वाटर नहाने के लिए पानी चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको गर्मी में इसकी ताज़े पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठंड में तो जरूरत नहीं पड़ती, ठंड में भी कुछ लोग नहा लेते हैं। जैसा भी आपको जो पानी चाहिए वो आपको इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।